साहिबे कमाल सरबंस दानी दसवें पातशाह बादशाह दरवेश श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्म पोह सुदी 7 संमत 1723 नूं पटना बिहार विखे नौवें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी दे घर माता गुजरी जी दी कुखों होया। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दा बचपन दा नाम गोबिंद राय सी। मुगल शासकां दा अत्याचार बहुत वध चुका सी, इस लई पिता श्री गुरु तेग बहादुर जी ने साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी नूं उच्च विद्या प्रदान करवाउण दे नाल नाल शस्त्र विद्या तों वी चंगी तरां जाणू करवाया। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दा जीवन काल बेशक बहुता लंबा नहीं सी, परंतु उन्हां दा जीवन विशेष घटनावां नाल भरिया होया है, जिन्हां सदका उन्हां नूं शायद ही किते आराम मिलिया होवे। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपना जीवन सांझीवालता दे उद्देश नूं न्याल लै के जीविया। बचपन विच जदों उन्हां दी उमर सिर्फ 9 साल दी सी तां उन्हां ने अपने पिता श्री गुरु तेग बहादुर जी नूं कश्मीरी पंडतां दी सहायता करन अते उन्हां दी रक्षा करन लई कुर्बानी देन लई भेज दित्ता सी। श्री गुरु तेग बहादुर जी दी शहादत तों पिछों 1675 ईस्वी विच 9 सालां दी उमर विच श्री गुरु गोबिंद सिंह जी गुरगद्दी उत्ते विराजमान होए। 42 सालां दी उमर तक श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने गुरु नानक देव जी दे आरंभ कीते सिख धर्म दे क्रांतिकारी दार्शनिक सिद्धांतां नूं तीबरता ते कुशलता नाल सिखर ते पहुंचाया। दसवें पातशाह सांझीवालता दे उद्देश नाल चलदे होए किसी भी इलाके धर्म जात नसल ते कौम दे विरुद्ध कोई भी विरोध नहीं रखदे सन, सगों ओ सारी लुकाई नूं इक डोर विच प्रौण दा जतन करदे सन। गुरु साहिब समुची मनुख जाति नूं सांझीवालता दा उपदेश दिंदे सन। राजे शासक गरीबां अनाथां कीर्तियां अते इस्त्रियां आदि दा धर्म दे नां ते शोषण करदे अते उन्हां ते जुलम ढाउंदे सन। इन्हां गरीब लोकां कीर्तियां अते समाज दे उत्थान सन्मान मनुखी बराबरी अते उच्चियां मानवी कदरां कीमतां लई गुरु गोबिंद सिंह जी ने धर्म युद्ध चलाया तां जो सर्व धर्म दी रक्षा हो सके। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने 13 अप्रैल 1699 नूं विसाखी वाले दिन खालसा पंथ दी स्थापना कीती। इस समय अमृत तैयार कीता गया ते गुरु साहिब ने उत्थे मौजूद संगतां नूं संबोधित करदिआं होइआं उन्हां विचों 5 निडर योधिआं दी चोण कीती, जिन्हां नूं बाद विच 5 प्यारिआं दा दर्जा दित्ता गया। इन्हां 5 प्यारिआं नूं अमृत छकाया गया ते फिर गुरु साहिब ने आप इन्हां तों अमृत छकिआ। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दे अंदर सांझीवालता दा संदेश सी, इस गल तों वी पता लगदा है कि उन्हां द्वारा चुने गए 5 प्यारे किसी इक जाति जां धर्म नाल संबंधित नहीं सन, सगों इह वख-वख जातां नाल संबंध रखदे सन। बाद विच गुरु गोबिंद सिंह जी गोबिंद राय तों श्री गुरु गोबिंद सिंह जी बन गए सन अमृत छक के। गुरु गोबिंद सिंह जी ने 5 प्यारिआं अते होर सिखां नूं अपने नां नाल सिंह अते इस्त्रियां नूं कौर शब्द लगाउण दा आदेश दित्ता सी। सर्व धर्मां दी रक्षा अते लताड़े होए लोकां दी रक्षा लई श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने ना सिर्फ अपना जीवन ही लाया, सगों उन्हां ने अपना पूरा सरबंस धर्म दी रक्षा लई वार दित्ता। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने जीवन काल विच लगभग 14 जंगां लड़ियां सन। पहली जंग पंगाणी दी सी अते आखरी जंग उन्हां ने खिदराने दी ढाब मुक्तसर साहिब दे स्थान ते लड़ी सी। चमकौर साहिब दे स्थान ते उन्हां दी जंग दुनिया दे इतिहास विच बेमिसाल अते लासानी है। उन्हां ने भुखे पाणे 40 सिंघां नाल बहुत वड्डी दुश्मनां दी फौज दा मुकाबला कीता सी। 1705 ईस्वी विच खिदराने दी ढाब दे स्थान ते उन्हां ने फिर मुठ्ठी भर सिंघां नाल सरहंद दी मुगल फौज दे दंद खट्टे कीते सन। इह दोवें जंगां संसार विच सब तों वध असामी सन। इन्हां विच गुरु गोबिंद सिंह जी ने सिद्ध कर दित्ता सी कि इक इक सिंह अणगिनत दुश्मनां दा दलेरी नाल सामना करन दी शक्ति रखदा है। साहिबजादे बाबा अजीत सिंह जी अते बाबा जुझार सिंह जी चमकौर साहिब दी जंग विच शहीद होए अते श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दे 2 छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह अते बाबा फतेह सिंह जी नूं सरहंद दे सूबेदार वलों गिरफ्तार करके नीहां विच चनवा के शहीद कर दित्ता गया सी।
ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੇ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਲਈ ਸੀ। ਸਭ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਡੋਲ, ਸਹਿਜ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟਣਾ ਸੀ। ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਮਤੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਚਮਕੌਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੀਨਾ ਕਾਂਗੜ ਤੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਦਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਜਾਂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨਾ ਤੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ, ਨਾ ਬਹਾਦਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਚੰਗਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹੈ। ਤੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਸੌਆਂ ਖਾ ਕੇ ਤੋੜੀਆਂ ਹਨ, ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉਲਟ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਜਾ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਧਰਮ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਮੇਰੇ ਚਾਰ ਬੱਚੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜੇ ਮੇਰਾ ਪੰਜਵਾਂ ਪੁੱਤਰ ਖਾਲਸਾ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਧਰਮ ਅਰਥ ਦਾਸ ਸੇਖ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦਾਤੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਦਵੀ ਦੇ ਕੇ ਅਖੀਰ ਕੱਤਕ ਸੁਦੀ ਪੰਚਮੀ 7 ਕੱਤਕ ਸੰਮਤ 1765 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ।